हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th की रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, रिजल्ट कब आएगा एग्जैक्टली वही बताऊंगा। मैंने जो लास्ट अपडेट दी थी कि 1 अप्रैल को सीबीएसई सब कुछ क्लैरिफाई करेगी, तो उसने वैसा ही किया क्योंकि उसने अपना आखिरी अपडेट 31 मार्च तक के लिए दिया था। तो 1 अप्रैल को तो उसे किसी भी हालत में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन तो देना ही था। अब सीबीएसई ने जो 1 अप्रैल को नोटिफाई किया था उसका जो एक्सटेंशन है वो हमारा 15 अप्रैल तक। उसने है ना कि 15 अप्रैल के पहले ही मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो सीबीएसई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तो क्लास 12th का जो एग्जाम है वो लेना बहुत कंपलसरी हो गया है सीबीएसई के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डिफरेंट कॉलेजेस में एंट्रेंस देने हैं जिनके एंट्रेंस डेट भी बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। अब क्लास 10th को लेकर उसने रिजल्ट डेट को बहुत कुछ क्लैरिफाई कर दिया है रिजल्ट को लेकर सीबीएसई क्लास 10th का। ठीक है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सीबीएसई क्लास 10th का जो ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट है, ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, जो ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट है वो उसे एक सेपरेट में ऐड करेगी, मतलब कि अलग इशू करेगी, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए अलग इशू करेगी, क्योंकि केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की वजह से ऑल इंडिया का रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो इसलिए उसने क्या कहा है कि वो मई लास्ट तक किसी भी कंडीशन में, हमारा एक्सटेंड भी होता है अगर लॉकडाउन तो उस कंडीशन में भी मई लास्ट तक वो सीबीएसई रिजल्ट इशू कर देगी ऑल ओवर इंडिया के लिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए क्या था, उसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों के लिए यह कहा है कि एज सून एज वो जैसे ही एग्जाम करा लेती है, जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि आपका अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम होगा, तो 12th वालों के साथ आपका रिजल्ट आएगा। 12th वालों का रिजल्ट उन्होंने कहा है कि मई लास्ट में वो पेपर लेंगे और जून की 20 और 22 तक वो क्लास 12th की रिजल्ट इशू कर देंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें क्लास 10th वाले ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जिनके लिए सीबीएसई एकदम क्वाइट मच क्लियर है। उसने कह दिया है कि मई लास्ट तक ऑल ओवर इंडिया के जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लास 12th वालों के लिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अपने इन दिनों में अपने जो बचे हुए एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो यार, हमारे पास टाइम कब बहुत कम है और कब ये लॉकडाउन रिलैक्स करके हमें एग्जाम देने के लिए कह दे, तो ये बहुत ज़्यादा क्वाइट क्लियर नहीं है। तो इसलिए बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑफ सीबीएसई। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।